मेरा जगह जमीन हड़प लिया, जिसको छाउर में नहीं जाने वाला मार के मांस हटा दिया। 4 साल से हम बच्चा लेके किराया पर रह रहे हैं। और आज 10 बार आ गई यहाँ पर दौड़ते दौड़ते, लगी मेरा कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रहा। राशन पानी सब कुछ मेरा बंद है, कुछ नहीं मिल रहा। कमा कमा बच्चा क्यों पाल रहे। जिस दिन से मेरा पापा एक्सपायर किया, उस दिन से मेरा सब दिन मारपीट करते है। मुखिया के पास जाते तो थाना से मेरे जाने नहीं देता मुखिया, और जब मारता खून गर्दन करके पूरा तो 500 दिला देता है। फोका उका हो गया गोड़ में, 4 साल हो गया मामला दबा दबा रख रहा। हाफ मर्डर 15 रोज में चालू हो जाता रहा, 4 साल हो गया है। थाना से लिख के दे दिया है, और विरोधी पार्टी अपना वकील करके लिख के दे दिया है कि फरार है, और कोई नहीं फरार। वो खेती उपजा के खा रहा है, मार के भगा दिया। नमस्कार। आम इंसान की समस्याएं भी आम होती है, हर किसी की समस्या इतनी जटिल नहीं होती है जिसके लिए मुख्यमंत्री तक पहुंचा जाए। लेकिन जब आम इंसान के पास कोई चारा नहीं बचता है तो वो मुख्यमंत्री के दरवाजे पर आता है और इस तरह से घसीटा जाता है, जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं। मेरे साथ वही महिला हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्यों आखिर ये मुख्यमंत्री के कार्यालय के दरवाजे पर आकर बैठी हैं और आँखों में आंसू क्यों हैं? क्या नाम है आपका? रीना देवी। क्यों रो क्यों रही रीना जी? क्या हो गया? रीना देवी है। क्यों रो रही है? क्या हुआ? मेरा जगह जमीन हड़प लिया, जिसको छाउर में नहीं जाने वाला मार के मांस हटा दिया। 4 साल से हम बच्चा लेके किराया पर रह रहे हैं। और आज 10 बार आ गई यहाँ पर दौड़ते दौड़ते, लगी मेरा कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रहा। राशन पानी सब कुछ मेरा बंद है, कुछ नहीं मिल रहा। कमा कमा बच्चा क्यों पाल रहे। कहाँ घर कहाँ है? अटका गांधी टर्न, थाना बगोदर, गिरिडीह जिला से। हाँ, गिरिडीह जिला। तो थाने में क्या हुआ है? आपका जमीन हड़प लिया है। थाने में नहीं, गोतिया क्षेत्र में। सब विरोधी पार्टी सब हड़प लिए जागो जमीन और मार के हटा दिए वहाँ से। तो वहाँ किराया पर रह रहे, अपना जान बचाने ली जा बच्चा के खाना बना के खिलाते, वहाँ लेटरिंग उटरिंग फेंक देता। थाना प्रभारी के बोलते तो बोलते हम क्या करेंगे, आप लोग के मामला कोर्ट चला गया, अब जाइए कोर्ट। कोर्ट जाते तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट सर बोले सर क्या हो रहा है, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। बोलता है कि क्या समस्या है, तो बोले मेरा जगह जमीन हड़प लिया और मेरा कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। आज 3 साल हो गए। तो कर बाद एक बार सीएम सर से मिले हैं, तो कर बाद फिर गई रात गिरिडीह, लेकिन देखे चारों बेर गेट बंद था और नहीं मिलने दे। समझते हैं कहाँ गांव कहाँ है? अटका गांधी टर्न। अटका गांधी टर्न। हाँ। ये बगोदर में, बगोदर थाने में ही आता है। बगोदर थाना है और घर है अटका गांधी टर्न। आप लोग वहाँ पर पैतृक आवास सबका था? वहाँ है बजरंग बली के मंदिर है मेरा घर के पास, वहीं पे आप तो रहती थी। गोतिया लोग आपको हड़प लिए? किराया पर रहते हैं, मैं रात 4 साल से किराया पर रह रहे बच्चा लेके। कहाँ पर रह रही? रह रहे कोडरमा जिला में, बगोदर में। बहन है उसके घर भी रहते बच्चा लेके। बगोदर में अटका गांधी में आपका घर है। हाँ। वहाँ जमीन हड़प लिया है। हाँ। आपका गोतिया लोग। हाँ। क्या नाम है गोतिया का? फर्स्ट में बालदे मेहता, गोवर्धन मेहता और बतेसिया देवी, सरिता देवी, सुनीता देवी, इस आप लोग के पास कोई जमीन मेहता सब मिल के मारपीट किया है और हड़प लिया जब भी है। हाँ। कब की घटना है ये? फोका उका हो गया गोड़ में, 4 साल हो गया मामला दबा दबा रख रहा। हाफ मर्डर 15 रोज में चालू हो जाता रहा, 4 साल हो गया है। ये फोका हो गई, डॉक्टर की इंजोरी रिपोर्ट दिए, अभी भी इधर फोका के सब यहाँ ये होगा दाग गोड़ में होगा ये पूरा, जाके सरकारी डॉक्टर से इलाज करा के पेपर दिए हैं थाना में। थाना वाला सुन नहीं रहा है कुछ नहीं, थाना से लिख के दे दिया है, और विरोधी पार्टी अपना वकील करके लिख के दे दिया है कि फरार है और कोई नहीं फरार। वो खेती उपजा के खा रहा है, मार के भगा दिया। जिसको भी जाँच करना है जाँच करने के लिए वहाँ से चला जाए देख ले। वो अपना गाड़ी लेके गाड़ी खड़ा करता है जहाँ मेरा रहते हैं वहाँ पर, और वो अपना वहाँ से हटा लिया जानवर बकरी सब बांधता है
और बोलता है कि क्या किए, तो कोई भी गोतिया लोग तो बोलते हैं आप ही के घर के है ना, दूसरा कोई नहीं, नहीं कोई नहीं। और वहाँ से मेरा जिस दिन से मेरा पापा एक्सपायर किया उस दिन से मेरा सब दिन मारपीट करते हैं, मुखिया के पास जाते तो थाना से मेरे जाने जाने नहीं देता मुखिया, और जब मारता खून गर्दन करके पूरा तो 500 दिला देता है, और मेरा पति भी मारा हम लोग और थाना नहीं जाने, लास्ट में जो झोल दिया तकर बाद हम थाना धोड़ल गए। उनका नाम क्या है? मुखिया के बचिया देवी। बचिया देवी, हाँ। हाथ में क्या है आपके? पेपर है जो मेरा दिक्कत है वो वाला भी लिख के दिया, एफआईआर वाला सीएम सर के हाथ में खुद दिया। एफआईआर का कॉपी है और जो आपका आवेदन है सो है। खुद सीएम सर के हाथ। कहाँ है आपका पति? के बच्चा के रख रहा है पति, तीन को बच्चा और है। हाँ, ये पहली है? नहीं, पहले इससे बड़ा है, तकर बाद एगो, तकर बाद दूगो इससे यार है, छोटा है एगो, तीन तीन चार सौ। पढ़ाई लिखाई कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं कुछ नहीं, तब हम इधर उधर भटक रहे ने, बच्चा की कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा है मेरा, ने कुछ खाने पीने कुछ व्यवस्था है, इसलिए हम बच्चा लेके इधर उधर भटक रहे ने। कितनी बार आप यहाँ पे आई हैं मुख्यमंत्री के? 10 बार हो गए, तो अगर 10 बार में एक बार मिला है 6 महीना पहले, और फिर अभी 5वां अभी 6वां बार हो गई है, तो अभी दूर से पूरा जब एक रोज और आई हैं ये आई मंगर के नहीं अगला मंगर को, तो फिर अभी लास्ट में अभी यहाँ मिले और एक बार पेपर निकला है। तो मुख्यमंत्री से क्या चाहती हैं आप? हम मुख्यमंत्री से मिलने चाह रहे हैं, उसको मेरा हम दौड़ने पावर नहीं, उसको जहाँ से होगा जहाँ भी रहेंगे हम उसको से जो ऑनलाइन से जो शिकायत है उसको ठीक भेजेंगे, अब हम दौड़ने के पावर नहीं है, न मेरे पास पैसा है, वह चाह रहे इसलिए हम सीएम सर से मिलने चाह रहे हैं, और बाकी तहाँ से बाकी जो होगा से समझेगा। पटना में रहती, वहाँ क्या दिक्कत हो रहा है? वहाँ कोई दिक्कत नहीं, कमा के खा रहे कितना दिन रहेंगे, भाड़ा नहीं रहेगा तो वहाँ से निकाल देगा। जब मेरा घर पति क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं पति? पति करते हैं बेगारी काम करते हैं, देखिए अभी धान रोपता है तो उसको कोड़ी घोट करते हैं नहीं, तो उसी तरीके हम भी मजूरी करने चला जाते तब पालते बच्चे। आइए सामने बच्चे किसी के कोई काम करने जाता है। नाम तो बताएं? रीना देवी। देखिए रीना देवी हैं गिरिडीह के बगोदर जिला की रहने वाली हैं, माफ कीजिए गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं, अटका गांधी इनका गाँव पड़ता है। आरोप है कि इनके गोतिया ने इनकी ज़मीन हड़प ली, मारपीट भी की, इतना मारपीट हुआ कि हाथ पैर में जख्म है, दाग है, निशान है, फूका उठ गया था, और ये सब कुछ करने के बावजूद इनको मजबूर किया गया कि भाग कर अपने आवास पैतृक आवास को छोड़कर ये कोडरमा जिले में शरण लेकर रह रही हैं जहाँ पर ये रेंट पर रहती हैं। स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं, कई बार ये थाना कचहरी कोर्ट सब कुछ हो चुका है, लेकिन मजबूर इंसान के तरफ कोई नहीं होता है, इसलिए मुख्यमंत्री के पास लगातार आई हैं, 10 बार आई हैं, एक बार मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुआ है, लेकिन जिस उद्देश्य से आई हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सक रहा है। न्याय की गुहार लेकर ये फिर से पहुंच रही हैं और न्याय की जिम्मेवारी हम में से हर किसी की है। मैं चाहूँगा कि बगोदर से अगर अधिकारी देख रहे हैं तो उन तक ये बात पहुँचे, रीना देवी की आंखों में ये आंसू देखें और जो भी बात है वो स्पष्ट रूप से सामने आए। अगर वकील ये कह रहा है कि लोग फरार हैं, लेकिन ये कह रही हैं कि कोई फरार नहीं है, वो लोग अभी भी वहीं पर हैं, खेती कर रहे हैं, और जहां इनका घर था आज वहां पर उनके लिए कार खड़ी करने की जगह हो गई है। झारखंड में न्याय व्यवस्था की यह तस्वीर विचलित करने वाली है, और सीएम के कार्यालय के सामने रीना देवी गुहार लगा रही हैं, और न सिर्फ सीएम से बल्कि पूरे राज्य से अपने लिए न्याय की मांग कर रही हैं। ये आंसू झूठे नहीं हैं, ज़रूरी ये है कि इस पर तहकीकात की जाए, जाँच की जाए, और अगर यह मामला सही है तो न्याय की गुहार पर सीएम की मुहर लगे और इन्हें न्याय मिले। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, सहयोगी ऋषभ के साथ विवेक, नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है, हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in